गौरी शंकर बेसिकली कौन है, उनकी क्या कहानी है, और साथ ही साथ ये एक फिल्म की शक्ल में भी लोगों के बीच आने वाली है, तो कैसे सब शुरू हुआ? देखिए सर, जो गौरी शंकर की प्रेम कहानी है एक्चुअली ये टाइटल जो है, और गौरी जो है वो प्रेमिका है और शंकर प्रेमी है। और एक छोटे से गांव की कहानी है। पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हमें मनाही होती है, हम स्टोरी को ओपन नहीं कर सकते हैं, और उसी सराउंडिंग में पूरी कहानी चलती है। और इसमें एक जो मेरा करेक्टर है शंकर का, वो एक है गांव का लड़का है जो पीआई निकाल लेता है अपना। जो शूटिंग हम लोगों ने किया है ये हम लोग झारखंड में कोडरमा में किए हैं। अच्छा। और बिहार में किए हैं। इसका इंसिडेंट अगर आप बोलिएगा तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था उस वक्त जब मुझे बोला गया कि आपको पुलिस ट्रेनिंग करना है। ठीक है। और मुझे पता नहीं था कि मैं रियल लोकेशन पे जाऊंगा, और जब मैं वहां पे गया टीम के साथ तो मैंने देखा कि तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी वहां पे हैं, और उनके बीच में अब इनका था लुकआउट, प्रोडक्शन टीम थी पूरी की पूरी, इनका पहले का वर्कआउट था, बट मुझे नहीं बताया गया था ये चीज़। 2000 पुलिसकर्मियों के बीच में हमने सीन किया, प्रॉपर वर्कआउट का सीन किया, वो आपको इसमें दिखा होगा झलक हल्का सा, वो मेरे लिए एक मतलब मेरे लिए शॉकिंग था कि कोई फिल्म बेसिकली कोडरमा में शूट हुई है। मैंने नहीं सुना, हो सकता है मेरी जानकारी थोड़ी सी कम हो इस मामले में, लेकिन भोजपुरी के बारे में मैं दावे से कह सकता हूं कि भोजपुरी की फिल्म तो शायद कोडरमा में शूट नहीं हुई। और अगर कोई आपको लगता है कि किसी ने वहां जाकर शूट किया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको लगता है कि कोई फिल्म कोडरमा में इनसे पहले शूट हुई है। कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। वहां जब हम लोग शूट करने गए, लोगों को पता चला तो वहां के लोगों ने बताया कि आज तक इधर लोग आते ही नहीं है। झारखंड से सटे जो रांची है या फिर डाल्टनगंज वगैरह है, वहाँ शूटिंग होती है, वहाँ के लोग जानते हैं कि शूटिंग होती है, लेकिन कोडरमा के लोगों को पता नहीं था कि शूटिंग होती कैसे है। तो हम लोग पहले ऐसे थे जो वहां पहुंचे, हालांकि वहां का भाई, मैं जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया आपको, एक बार मुझे लगा शायद कि पोस्टर देख के कि शायद इन्होंने, रवि जी ने किसी असली पुलिस वाले को ही पकड़ के शूट कर लिया। इतना आपके एक्सप्रेशन जो है इतने परफेक्ट लग रहे हैं, आपका जो लुक है वो इतना परफेक्ट लग रहा है। इन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दिया था तैयारी करने का। अच्छा। और मैंने उस हिसाब से ही हेयर कटिंग भी करवाया है। और ये हेयर कटिंग जो हमने करवाया वहां पे, वो वहाँ पे पुलिस वालों का ही हेयर कटिंग होता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जाकर के हमने हेयर कटिंग करवाया था, और इनका ही था। इन्होंने बोला कि आप मुंबई में हेयर कटिंग करवा रहे हैं, आप करवा लीजिए, बट आप जैसे यहाँ उतरेंगे आपका हेयर कटिंग हम करवाएंगे। अच्छा। तो इन्होंने हेयर कटिंग करवाया, मुझे वर्कआउट का प्रॉपर समय देते थे। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आपने देखना शुरू कर दिया है बिंदास भोजपुरिया। गौरी शंकर, जिनकी तलाश पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ साथ सोशल मीडिया पर मेरे तमाम दर्शक कर रहे थे, वो आखिरकार मुझे मिल ही गए हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर आप लोग कमेंट करके मुझे कहेंगे, मुझे ये आदेश देंगे कि गौरी शंकर की टीम का इंटरव्यू कीजिए, तो मैं ज़रूर करूंगा। और देखिए, आपने जो आदेश मुझे दिया था मैं उसे इस वक्त पूरा कर रहा हूं। यही है वो शख्स, यही वो साहब हैं जो कि गौरी शंकर के रूप में पीछे आपको पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त थोड़े से बिना मेकअप के हैं और एक्सप्रेशन वैसे नहीं हैं, लेकिन सच मानिए यही हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। ओके, तो ये गौरी शंकर जो पोस्टर नजर आ रहा है, जो पोस्टर वायरल है, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो आप ही हैं? जी। मतलब यही गौरी शंकर साहब हैं, मैं तो इन्हें गौरी शंकर ही कहूंगा, कुलदीप जी इनका असली नाम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कम से कम ये आपसे गौरी शंकर ही हैं। कुलदीप भाई, बेसिकली ये जो पोस्टर है गौरी शंकर का, जिसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बिंदास भोजपुरिया से कहा कि प्लीज इनकी टीम का इंटरव्यू लीजिए। तो गौरी शंकर जो है, जो दिखाई दे रहा है, एक ऐसा लगता है कि पुलिस का कोई अधिकारी है, ऑफिसर है, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े कमाल के मुझे लगे। सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। अब जरा इसके पीछे की बात बताइए मुझे कि गौरी शंकर बेसिकली कौन है, उनकी क्या कहानी है, और साथ ही साथ ये एक फिल्म की शक्ल में भी लोगों के बीच आने वाली है, तो कैसे सब शुरू हुआ? देखिए सर, जो गौरी शंकर की प्रेम कहानी है एक्चुअली ये टाइटल जो है, और गौरी जो है वो प्रेमिका है और शंकर प्रेमी है। ओके। और एक छोटे से गांव की कहानी है। पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा
क्योंकि हमें मनाही होती है, हम स्टोरी को ओपन नहीं कर सकते हैं। और उसी सराउंडिंग में पूरी कहानी चलती है। और इसमें एक जो मेरा करेक्टर है शंकर का, वो एक है गांव का लड़का है जो पीआई निकाल लेता है अपना, और उसके बाद उसकी जर्नी जो है, जर्नी के बीच में ही बहुत सारे इंसिडेंट उसको मिलते हैं जिसको सॉल्व करता है और फाइनली एक अच्छे मुकाम पे चीज़ों को लेकर के जाता है। मतलब कहानी का एक अगर शॉर्टकट में बोलें तो मैं यही बोलूँगा फिलहाल। तो कम से कम ये कुलदीप जी ने क्लियर कर दिया कि गौरी और शंकर ये दो अलग अलग लोगों की कहानी है। गौरी जो है वो शायद फिल्म की हीरोइन है और शंकर जो है वो फिल्म के हीरो यानी कि अपने कुलदीप जी हैं। ये रवि जी हैं, रवि रोशन कुमार, ये इनका पूरा नाम है। जैसे मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है वैसे इनका नाम है रवि रोशन कुमार। ये इसके निर्माता हैं, ये फिल्म इन्होंने ही बनाई है। रवि भाई, बड़ा यूनिक सा आपने पोस्टर बना दिया, बहुत हलचल है भोजपुरी सिनेमा में, लोग पसंद कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। ये ऐसा पोस्टर बनाने का आइडिया बेसिकली किसका था? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चल रही है, एक जो पहले से बन के आया है कि जितने भी स्टार होते हैं सबका उसमें पोस्टर रहना जरूरी ही रहता है, दिया ही जाता है एक्चुअली। तो इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे सर हैं तुतुल भट्टाचार्य जी, वो कहे कि रवि जो चल रहा है वो तो चल रहा है, और वही अगर हम भी करें तुम भी करो तो फिर मतलब क्यों बनाना फिर। तो पोस्टर का थॉट बेसिकली उन्हीं का है, ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और वो बोले कि नहीं, अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हम केवल सिंगल पोस्टर के साथ जाएंगे जिसमें एक ही फेस रहेगा, मेरे हीरो का फेस रहेगा। तो ये तुलतुल भट्टाचार्य सर की बात करें जो कि हिंदी में बड़ा नाम है उनका, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों का उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो दिया है, सरकार राज, फूंक और ऐसी बड़ी फिल्म खोसला का घोसला, इन सब में उनका बैकग्राउंड म्यूजिक है। ये उनकी पहली भोजपुरी फिल्म होगी, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उनकी पहली भोजपुरी फिल्म है। एक्चुअली वो तैयार भी नहीं थे ये फिल्म करने के लिए, लेकिन जब हम लोग कॉन्टेंट लेके आए, वो कॉन्टेंट देखे तो उन्हें लगा कि नहीं, भले भाषा भोजपुरी है लेकिन ये एक फिल्म है, कॉन्सेप्ट उन्हें दमदार लगा। कुलदीप भाई, आप तो शंकर हैं आपने बताया, लेकिन आपकी जो गौरी है वो कहाँ है? देखिए, गौरी तो फिलहाल यहाँ नहीं है, बट है गौरी, और फिल्म के अंदर भी गौरी आपको दिखेगी, वो फिलहाल कहीं शूट कर रही होंगे। वो कौन अभिनेत्री है जिन्होंने गौरी का किरदार निभाया है, वो अभिनेत्री कौन है? उनका नाम एक्चुअली रीना मौर्या है। okay. और अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा काम किया उन्होंने। okay. अच्छा, गौरी शंकर की शूट से जुड़ा हुआ कोई किस्सा मुझे शेयर कीजिए कुलदीप भाई, कि गौरी शंकर इतनी बढ़िया फिल्म आप लोगों ने बनाई है, तो कैसे शूट हुई, कहाँ शूट हुई और कैसे फिल्म शुरू हो पाई है? देखिए, ये जो शूटिंग हम लोगों ने किया है, ये हम लोग झारखंड में कोडरमा में किए हैं। अच्छा। और बिहार में किए हैं। इसका इंसिडेंट अगर आप बोलिएगा तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था उस वक्त, जब मुझे बोला गया कि आपको पुलिस ट्रेनिंग करना है, ठीक है, और मुझे पता नहीं था कि मैं रियल लोकेशन पे जाऊंगा। और जब मैं वहां पे गया टीम के साथ, तो मैंने देखा कि तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी वहां पे हैं, और उनके बीच में अब इनका था लुकआउट, प्रोडक्शन टीम थी पूरी की पूरी, इनका पहले का वर्कआउट था, बट मुझे नहीं बताया गया था ये चीज़। 2000 पुलिसकर्मियों के बीच में हमने सीन किया, प्रॉपर वर्कआउट का सीन किया, वो आपको इसमें दिखा होगा झलक हल्का सा, वो मेरे लिए एक मतलब मेरे लिए शॉकिंग था। तो इस टाइप के बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लेकिन ये जो है ये एक स्पेशल है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कि मैं मतलब सोचता था और लोगों के इंटरव्यू को देखता था कि भाई मैं रियल लोकेशन पे गया, रियल पुलिस वालों के साथ, रियल करेक्टर के साथ काम किया, और बड़ा ही मज़ा आया मुझे। बिहार पुलिस के सारे जवान थे उनके साथ मैंने काम किया, और रियली मैंने इन्जॉय किया। वाह, सोचिए, असली पुलिस वाले, वो भी एक दो चार नहीं, 2000
उनके बीच में शूट करना एक एक्टर को, वो भी पुलिस वाला बन के, मतलब आप जिसे पर्दे पर दिखाने जा रहे हो वो सारे लोग आसपास हैं, कितना कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता होगा आदमी का जब इतने सारे पुलिस वाले आपके पास होंगे और सबकी निगाहें आप पर टिकी होती हैं, क्योंकि जरा सी आपकी गलती होगी तो वो टोकेंगे जरूर। खैर, रवि जी से मैं पूछ लेता हूं। रवि जी, मेकिंग को लेकर एक सवाल है मेरा कि भाई आपने कहा कि कोडरमा में शूट किया गया है, कोडरमा जैसे कहा जाता है कि भाई नक्सल्स की वहां पे दिक्कत है, नक्सल्स से थोड़ा सा प्रभावित इलाका माना जाता है, आपको डर वर नहीं लगा आप फिल्म शूट करने वहां चले गए? ना हम लोगों को डर लगा सर, और ना ही कहीं नक्सल दिखा मुझे। हमने पूरी स्वतंत्रता के साथ जहां चाहा वहां हमने शूट किया। वहां का जो डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया हम लोगों को, क्योंकि ये पहली ऐसी फिल्म थी जो कोडरमा में शूट हो रही थी। Exactly. मैंने भी शायद इससे पहले ये नहीं सुना होगा कि कोई फिल्म बेसिकली कोडरमा में शूट हुई है, मैंने नहीं सुना, हो सकता है मेरी जानकारी थोड़ी सी कम हो इस मामले में, लेकिन भोजपुरी के बारे में मैं दावे से कह सकता हूं कि भोजपुरी की फिल्म तो शायद कोडरमा में शूट नहीं हुई। और अगर कोई आपको लगता है कि किसी ने वहां जाके शूट किया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको लगता है कि कोई फिल्म कोडरमा में इनसे पहले शूट हुई है। कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। वहां जब हम लोग शूट करने गए, लोगों को पता चला तो वहां के लोगों ने बताया कि आज तक इधर लोग आते ही नहीं है। झारखंड से सटे जो रांची है या फिर डाल्टनगंज वगैरह है, वहां शूटिंग होती है, वहां के लोग जानते हैं कि शूटिंग होती है, लेकिन कोडरमा के लोगों को पता नहीं था कि शूटिंग होती कैसे है। तो हम लोग पहले ऐसे थे जो वहां पहुंचे, हालांकि वहां का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा वो है, ट्रांसपोर्टेशन का वहां दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सुविधाएं भी थोड़ी कम होगी क्योंकि शायद उतना डेवलप नहीं है, बिल्कुल कम है वो, और मतलब ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का थोड़ा सा ये है, लेकिन उसके बावजूद लोकेशन बहुत ही अच्छा है वहां का और एक्सपोज करने लायक है। बहुत सारी चीजें तो हम लोगों से छूट गई जो शायद हम लोग इसके पार्ट टू में पूरा कर सके। अच्छा, मतलब इसका आप पार्ट टू भी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। मुझे लगता है ये भी इन्होंने शायद पहली बार ही कहा होगा कैमरे को देखकर कि भाई गौरी शंकर का पार्ट टू भी ये बनाना चाहते हैं। पार्ट टू कब बनेगा? बेसिकली आप लोग देखेंगे कि गौरी शंकर को कैसा रिस्पांस थिएटर्स में मिल रहा है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं, शायद उसके बाद आप बनाए। शायद ना, अगर हम फिल्म बनाने चले हैं तो इस चीज को तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि दर्शक एक्सेप्ट करे ना करे, वो दर्शक के ऊपर डिपेंड होता है सर। एज ए फिल्म मेकर, अगर हम फिल्म मेकर हैं तो हम बनाते चलेंगे फिल्म। कुलदीप भाई, आपसे मेरा सवाल है, बेसिकली गौरी शंकर करने से पहले कुलदीप कुमार की क्या पहचान थी, बेसिकली कैसे फिल्मों में आए, कौन सी फिल्म की है, मुझे थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में कम है तो प्लीज जरा बता दीजिए। देखिए, मेरी भोजपुरी की एज ए मेन लीड ये सातवीं आठवीं फिल्म है। मेरी जो पहली फिल्म थी बेटा होके तैसन, और लॉकडाउन से के दरमियान ही मेरी एक फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी जिसका नाम है बैरी सुरतिया। हाँ, उसमें मैंने तीन कैरेक्टर प्ले किया है। बैरी सुरतिया वो मैंने किया था, और बैरी सुरतिया को मैंने इन्जॉय किया था। उसके बाद मैंने इनकी फिल्म की, रवि जी की मैंने फिल्म की गौरी शंकर। अभी दो फिल्में और हैं मेरी जो कि पोस्ट में है, और हिंदी भी करता रहता हूँ मैं, मेरी हिंदी का भी एक पोस्ट चल रहा है। काफी व्यस्तता काफी है फिल्मों में? व्यस्तता तो मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा मैं मतलब चूजी बोल सकते हैं आप, बट ये बोलना अभी उचित नहीं है, लेकिन मैं चूजी हूँ, मैं कहानी देखता हूँ। होना चाहिए, होना चाहिए। रवि भाई, आप इसके निर्माता हैं, मुझे जरा बताइए कि भाई आपने पोस्टर से जो गर्मी पैदा कर दी, जो हलचल आपने मचा दी, ये ट्रेलर के तौर पर, टीजर के तौर पर कब लोगों तक पहुंचेगी? क्योंकि पोस्टर के बाद बहुत सारे सवाल लोगों के मन में खड़े हो गए, आपने पोस्टर ही ऐसा बना दिया कि अब लोग, ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, ट्रेलर और टीजर का इंतजार कर रहे हैं गौरी शंकर के। जी, पोस्टर इसी बात को ध्यान में रख के ही बनाया गया था कि वो हलचल हो, पोस्टर से ही हलचल हो। टीजर और ट्रेलर का बात है तो अगर देखते हैं सर, बहुत जल्द होगी, शायद अगले महीने लोगों के सामने आ जाएगी हम लोग का टीचर और ट्रेलर। कुलदीप भाई से सवाल लेता हूँ। कुलदीप भाई, मैं जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया आपको, एक बार मुझे लगा शायद कि पोस्टर देख के कि शायद इन्होंने, रवि जी ने किसी असली पुलिस वाले को ही पकड़ के शूट कर लिया, इतना आपके एक्सप्रेशन जो है इतने परफेक्ट लग रहे हैं, आपका जो लुक है वो इतना परफेक्ट लग रहा है। इन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दिया था तैयारी करने का। अच्छा। और मैंने उस हिसाब से ही हेयर कटिंग भी करवाया है,
और ये हेयर कटिंग जो हमने करवाया वहाँ पे, वो वहाँ पे पुलिस वालों का ही हेयर कटिंग होता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जा करके हमने हेयर कटिंग करवाया था और इनका ही था। इन्होंने बोला कि आप मुंबई में हेयर कटिंग करवा रहे हैं, आप करवा लीजिए, बट आप जैसे यहाँ उतरेंगे आपका हेयर कटिंग हम करवाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने हेयर कटिंग करवाया, मुझे वर्कआउट का प्रॉपर समय देते थे और मैंने रखा उस चीज़ को, मेंटेन किया कि एटलीस्ट जब फिल्म आए तो देखिए, ये बिहार और यूपी के लिए बहुत से लोग फिल्म किए हैं, बट मेरी तो चाहत यही है कि एटलीस्ट वहाँ के पुलिस चौकी में फ़ोटो लग जाए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इनके बात को, डायरेक्टर के बात को, सुनील पांडे जी डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, डीओपी संतोष जी हैं, संतोष कुमार, उन लोगों का वर्कआउट था सर। मैं ये बात तो बोलूँगा, पूरी टीम, आर्ट टीम से लेकर के सारे लोग, सबका वर्कआउट था। और मतलब वहाँ पे मुझे लगता था कि हाँ, मैं मतलब मुझे सैल्यूट मिला है सर। मतलब मैं बुलेट से जा रहा हूँ और कोडरमा में एक गली से मैं क्रॉस कर रहा था, उस वक्त मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था जब एक छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने सैल्यूट दिया मुझे, मैं शूट कर रहा था। मतलब मुझे लगा कि यार, मतलब ठीक है, मतलब लगा कि हाँ, शायद आपके पास शब्द नहीं है उस खुशी को, उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास शब्द नहीं है, बट मैं उसे समझ सकता हूँ, आपकी आंखों में उसे मैं कुलदीप भाई देख सकता हूँ। बॉडी पूरा सिहर रहा है अभी, वो जो मूवमेंट मैंने अभी याद किया, मतलब वो, मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैं बोला कि यार, वाकई में वो हीरो हैं आप। आप अगर पुलिस जो है वो ऑडियंस के नज़र में हीरो है, वो छोटा बच्चा, अभी माहौल भी हालांकि बहुत पॉजिटिव है उनको लेकर के और लोग काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा गुड लक है कि मैं ये फिल्म किया। तो खैर, आप लोगों ने सुना कि भाई परफेक्शन का ये लेवल था कि जहां पर पुलिस वाले बाल कटवाते हैं, क्योंकि उनके पर्टिकुलर, उन्हें बालों को लेकर, दाढ़ी को लेकर उनकी गाइडलाइंस होती हैं भाई, इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप इतने ही बाल रख सकते हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते, तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वहां ले जाकर इनके बाल जो है वो इन्होंने कटवाए कि भाई आपको प्रॉपर अगर पुलिस वाला दिखना है तो ऐसे ही दिखना है। और कुलदीप जी ने यह भी बताया कि किस तरह से उन्हें असली पुलिस वाले की तरह लोगों ने प्यार दिया और सैल्यूट भी मारा। रवि भाई, थिएटर में कब तक फिल्म आप लाना चाहते हैं गौरी शंकर को? थिएटर का ऐसा है सर कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, कब तक लगेगी थिएटर में ये बात मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, फिल्म पूरी है, पोस्ट प्रोडक्शन पूरा है, फिल्म मतलब रेडी टू रिलीज है, सेंसर हुई है फिल्म? अभी सेंसर नहीं हुए हैं, हम लोग अभी जाने वाले हैं सेंसर में, लेकिन फिल्म मेरी नहीं, पूरा एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ऑलमोस्ट फाइनल। तो पार्ट टू कब शुरू करेंगे ये भी जरा बता दीजिए, उधर कैमरे में देखिए और बताइए पार्ट टू कब शुरू कर रहे हैं। गौरी शंकर का पार्ट टू आप लेके आएंगे, ये कैमरे में देख के बताइए, और आप फिल्म शुरू करेंगे रवि भाई? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और इसी तरह करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग मई या जून से पार्ट टू के लिए लगेंगे। सोचिए, वाओ, ग्रेट ग्रेट। तो गौरी शंकर से काफी उम्मीदें हैं लोगों को, खास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने पोस्टर को बेहद पसंद किया है और मुझे कहा कि भाई जाइए और इंटरव्यू करके लाइए। मैं और लोगों से भी इंटरव्यू इसका करना चाहूंगा रवि भाई और कुलदीप जी, अगर कुछ लोग अवेलेबल होंगे इसके तो उन लोगों का भी मैं इंटरव्यू करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर अच्छी फिल्म आप लोगों ने बनाई है, लीग से हटके कुछ काम किया है, तो उसे मेरा जितना समर्थन है, मेरा जितना साथ है, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल सर, मैं यही कहूंगा कि हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है, एक्चुअल मायने में जो फिल्म होती है वो हम लोगों ने बनाई है, एक फुल टू टाइट एक्शन, रोमांस, ड्रामा, हर चीज दिखेगा आपको इस हमारी मूवी में। हम लोगों ने फिल्म बनाई है, जिसको हम लोग फिल्म बोल सकते हैं वो हम लोगों ने बनाई है। बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दर्शक इसे उसी तरह का प्यार और आशीर्वाद देंगे, बस आप लोगों को करना है कि जल्दी से टीजर और ट्रेलर आना है। कुलदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, और आपके एक्सप्रेशन बहुत कमाल के हैं, फिर से यही कहूंगा। थैंक यू सो मच। तो भैया, आप लोगों को गौरी शंकर साहब कैसे लगे, इनका इंटरव्यू कैसा लगा? अगर कोई सवाल मुझसे छूट गया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, याद दिलाइएगा, वो सवाल अगले इंटरव्यू में मैं ले लूंगा। अगर आपको लगता है कि फिल्म से जुड़े और कलाकारों का इंटरव्यू करना चाहिए जो इनकी अभिनेत्री हैं, जो कि बेसिकली गौरी हैं जिन्होंने ये रोल किया है, डायरेक्टर साहब हैं, डीओपी साहब हैं, उन तमाम लोगों को अगर आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।